हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो में हम 45 से आगे कुछ अब फुल फॉर्म बचे हुए थे, अभी हम रिसेंट पढ़ रहे हैं, तो इसका ये नेक्स्ट वीडियो है। अगर आप इससे पहले वाला नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आसियान मीन्स उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यहाँ पे प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जाएगा, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ASEAN में ई का मतलब क्या होता है, तो इसे ईस्ट याद रखोगे, मीन्स इस तरह से आपको अच्छे से याद करना होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट है हुडुको। हुडुको का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है एपेक। एपेक को ओपेक से कन्फ्यूज नहीं करना है। ओपेक होता है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग को, जो मीन्स ऑयल का जो निर्यात करता है, उस देशों के समूह को हम कहते हैं ओपेक, लेकिन यहाँ पे दिया गया है एपेक। एपेक का होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट है OMR। इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है SEZ। इसका होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ऐसा नहीं दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। यहाँ पे अगर मैंने स्पेशल कर दिया तो ये ऑप्शन सही हो जाता, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है बैंकिंग शब्दावली में अक्सर हम NPA के बारे में सुनते हैं, NPA का पूरा रूप क्या होता है, तो NPA का फुल फॉर्म होता है नन परफॉर्मिंग एसेट्स, नन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑप्शन हमारा डी सही है। NPA टर्म क्या होता है, बैंक का कोई ऐसा एसेट्स मीन्स ऐसा धन जो फंक्शन ना कर रहे हो उसे हम कहते हैं नन परफॉर्मिंग एसेट। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनता है कि NPA को रिकवर करने के लिए एक समिति बनाई गई, तो उसका हेड कौन है, तो उसका हेड बनाया गया PNB के जो वर्तमान चेयरमैन है सुनील मेहता को, सुनील मेहता को। तो देखो ये तो अभी करंट का है, पर भविष्य में आपसे पूछा जा सकता है ये स्टैटिक जीके के रूप में कि NPA को रिकवर करने के लिए जो पहली कमेटी बनी थी उसके हेड कौन थे, तो फर्स्ट है वो, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं बोला, सुनील मेहता। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रैम। रैम का मतलब क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा एक बात, प्राइमरी मेमोरी दो टाइप का, रैम और रोम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। आपको बताना है इस दोनों में से कौन वोलेटाइल है और कौन परमानेंट है, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट है CAD। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन आंसर हमारा ये। नेक्स्ट है CBS। CBS का फुल फॉर्म क्या होता है, होता है कोर बैंकिंग सिस्टम, तो कोर सी से पूछा जा रहा है, तो कोर ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये हमारा सही आंसर है। देखो हर क्वेश्चन पूछा गया और ये हर टाइप के एग्जाम में, चाहे रेलवे SSC, बैंक BPSC मीन्स किसी स्टेट PCS में, अच्छे अच्छे लेवल तक ये पूछा जाता है, तो इसलिए आपको सही से याद करना है इसको, मीन्स अगर आप सही से रट लो, दो सेशन देख लो, तो एक नंबर आपका पक्का किसी भी एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट और आसान भी होता है, एक बार देख लो तो आपको याद ही हो जाता है। नेक्स्ट है SEBI, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ था इसका, 1982 में हुआ था, 1982 में। हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट है हमारा SIMI। नेक्स्ट है LTTE। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिबर्टी टू इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन, तो लिबर्टी ट्रूथ टॉलरेंस एंड इमेंसिपेशन। नेक्स्ट है RDX। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है लेजर। लेजर का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि S का मतलब क्या होता है लेजर में, तो S का। नेक्स्ट है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर मीन्स रीडर, तो यहाँ पे पूछा गया C से, क्या हो जाएगा करेक्टर, D हमारा सही आंसर है। फिर है ATM। ATM में भी स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा, ध्यान रखना, तो MICR का क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है NCERT। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है,
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर यहाँ पे दिया गया है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। नेक्स्ट है SIM, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है CAS, CAS का फुल फॉर्म क्या होता है, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। फिर है IC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा है HTML, बहुत बार पूछा जा चुका है। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसा ही प्रश्न आता है एक HTTP, ये क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है NAEP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या होता है, नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग, नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग। नेक्स्ट है CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है कंप्रीहेंसिव टेक्स्ट बैन ट्रीटी, कंप्रीहेंसिव टेक्स्ट बैन ट्रीटी। नेक्स्ट है AIDS, मीन्स एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, आंसर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अखबार में दिया जाता है कि PPP रहता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अच्छा, ये PPP कौन से पंचवर्षीय योजना में लाया गया, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ PPP कब आया। नेक्स्ट है मोडेम, मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट और आज का सबसे लास्ट प्रश्न है GATT, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। देखिए ये था मेरी वीडियो का एंड, आप पहले वाला वीडियो देख ही लेना क्योंकि उसमें अधिक प्रश्न मैंने कवर किया था। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड मोर वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।